हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करने वाली हूँ, यानी आप लोग मुझसे कई सारे सवाल पूछते हैं जिनके कमेंट्स में जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आप लोगों के जो सवालों के जवाब है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जो है वो जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी मैम, आप इतनी जल्दी स्टोरीज़ को कैसे सुन लेते हो? तो इसका छोटा सा जवाब है, मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम है, ठीक है? तो अगर मैंने टाइम दे दिया तो स्टोरी हो गई कंप्लीट। इसमें मैं हुई या आप हुए, तो स्टोरी को अगर कंप्लीट करना है जल्दी से तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरे पास होता है तो मैं टाइम दे देती हूँ और फिर स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यार, आप लोग मुझे बार 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 स्टोरीज़ के बारे में पूछोगे तो मेरा भी तो ये होगा कि यार मैं सुनूं फटाफट से और आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसलिए जितना ज़्यादा टाइम मैं स्टोरीज़ पर इन्वेस्ट कर सकती हूं, उतना ज़्यादा मैं करने की कोशिश करती हूं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रातों की नींद हराम हो जाती है, ठीक है? बट इसमें आप लोगों की मिस्टेक नहीं है, ये तो चॉइस मेरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे फोर्स करते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं काफ़ी देर तक स्टोरीज़ को जो है वो सुनती रहती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों ने जस्ट सुन रहे हो और सुनते सुनते कई बार तो ऐसा भी होता है कि नींद भी आ जाती है और फिर जब उठते हैं तो दिखाई देता है कि स्टोरी तो अभी भी चल रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, बहुत फनी फनी बातें हैं, मतलब कई सारी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने लगी तो आप लोग भी सोचोगे कि मतलब क्या क्या हो चुका है, कि क्या क्या कर दिया मतलब मैंने स्टोरीज को सुनने के लिए। तो यार ये चीज़ें हैं, कई बार आप लोग एडिक्ट हो जाते हो स्टोरी को लेके, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो इसे आज ही कंप्लीट करना है, और ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक अजीब सा ही सवाल, अजीब सा भी नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि ये एक अच्छा सवाल था कि भाई मैं इतनी जल्दी स्टोरीज़ कैसे सुन लेती हूँ। तो यही बस एक यही रीज़न है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मेरा मन करता है अभी नहीं, मुझे नहीं पता चाहे कितना ही टाइम लगे स्टोरी को मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग जाती है। तो आई होप कि ये जो जवाब है इसे आप लोग सेटिस्फाई होंगे और चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था उस वीडियोज़ को लेके, मतलब आप लोगों ने खुद देखा है कि प्रोमो वीडियोज़ आती हैं, ट्रेलर्स आते हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं, कई सारी स्टोरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनके ट्रेलर्स और प्रोमोज़ भी होते हैं, ठीक है? जैसे कि कुकू FM पर भी है और पॉकेट FM की स्टोरीज़ के भी हैं। तो कई सारे लोग पूछते हैं इनके बारे में कि ये इनकी फुल जो वीडियो है वो कहाँ मिलेगी, सॉरी, ठीक है? तो फुल वीडियो तो यार मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगी, इनकी कोई फुल वीडियो नहीं होती है। ये जो स्टोरीज़ होती है ना, ये ऑडियो में अवेलेबल होती है, वीडियो में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है? चाहे वो कोई भी नॉवल हुई या फिर बुक हुई, अगर उसका उन्होंने कुछ ट्रेलर बनाया है या फिर ट्रेलर अपलोड हुआ है उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, नहीं, आप लोगों को वो सुनने को ऑडियो फॉर्म में ही मिलेगी। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो, क्यों आप लोग सोचते हो कि इसका कोई वेब ड्रामा है या फिर वेब शो है जो आने वाला है या फिर नेक्स्ट क्लिप बनाई जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी होती है। और सबसे बड़ी चीज़, स्टोरी को अगर हम वीडियो में परफॉर्म भी करना चाहें अच्छे से तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ तो हम वीडियो में नहीं बता सकते, ना ही दिखा सकते, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो जो स्टोरीज़ है ना वो आप लोग को ऑडियो में सुनने को मिलती हैं, ना कि वीडियो में। तो आप लोग इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि मैं कल कमेंट्स भी रीड करती हूँ, मुझसे पूछा जाता है इसकी पूरी वीडियो कहाँ है या फिर कौन सी स्टोरी जो है वो कहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और फिर भी अगर मैं वहाँ नहीं जवाब दे पाती हूँ तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID Bharti21 1998 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों के वहाँ पर सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? बाकी आई होप कि आप लोगों को इस सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आप वो स्टोरीज़ बताइए जो हमें ज़रूर सुननी चाहिए, मतलब हाईली रिकमेंडेड स्टोरीज़, ठीक है? तो वो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊँ कि क्या बोलते हैं, जो आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोग ज़रूर सुनना इस स्टोरीज़ को और ये आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएंगी, तो उनको अगर मैं जितनी अभी तक मैंने सुनी है अगर उनमें से मैं पिक करने लगी तो कम से कम कई सारी स्टोरीज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैं अगर उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखूंगी कि इसमें से आप ये चीज़ सीखोगे, इसमें से आप लोग ये चीज़ सीखोगे, तो वो अगर मैं आप लोगों को एक ही बारी में बताने लग गई तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आप लोगों के लिए मैं वो एक लिस्ट और वो वीडियो लेके ज़रूर हाजिर होंगी, तो आप लोग वेट करो थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि हाँ ये स्टोरी अच्छी है और इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो और जाके इस स्टोरी को ज़रूर सुनना, ठीक है? तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, बट ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको ज़रूर से सुननी चाहिए, बेशक
सॉरी, और कोई स्टोरी सुनो या मत सुनो, बट उन्हें ज़रूर सुन लेना। तो ऐसी ज़रूर होंगी, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि हाँ इन्हें ज़रूर सुनना, चाहे कुछ मत तो सुनो। और तो ऐसी भी एक वीडियो लेके मैं ज़रूर हाजिर होंगी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, बट मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। बाकी जो आप लोगों का नेक्स्ट सवाल था, पॉकेट एफएम की स्टोरीज जो कि इनकम्प्लीट हो चुकी हैं, मतलब सॉरी इनकम्प्लीट स्टोरीज़ हैं बट वो कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि आप लोग उनके सीज़न 2 का वेट कर रहे हैं बट अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो यार मैं कोशिश कर रही हूँ इनके सीज़न 2 के बारे में जानने की कि क्या कोई सीज़न 2 आने वाला है या नहीं आने वाला है। आप लोग मुझसे ना जाने कितनी सारी स्टोरीज़ हैं, मैंने तो कईयों के नाम भी नहीं सुने थे, आप लोगों ने मुझे बताया, और यहाँ तक कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि इनके जो सीज़न 2 है वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे पॉकेट एफएम की तरफ से ऐसी कोई मतलब जो है अपडेट नहीं मिली है कि कब आने वाली है या फिर स्टोरीज़ आएंगी या नहीं आएंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई अपडेट मिल जाए इन चीज़ को लेकर। मुझे अगर जैसे चलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि पॉकेट एफएम की जो स्टोरीज है, जो कि वैसे तो कंप्लीट हो चुकी हैं बट उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रह गई, तो आप लोगों को लगता है कि सीजन 2 आएगा तो वो आएगा या नहीं आएगा। तो अब उसके लिए तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास इसके बारे में कोई अपडेट है नहीं है, तो मैं आप लोगों को इस बारे में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। बट ये है कि हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही इस बारे में कोई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और वो तो है ही, अगर मुझे खुद भी पता चलेगी तो मैं आप लोगों को तो सबसे पहले ही बताऊंगी, और किसको बताऊंगी है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछोगे और चीज़ें बताते हो। तो ये है कि मैं नोट कर लेती हूँ हाँ उन स्टोरीज़ के जो नाम है, ताकि अगर मुझे पता चलता है इन चीज़ों के बारे में तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के उन्हें ज़रूर बता दूँ कि इनका सीज़न 2 कब आने वाला है। तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हो, बट एक ही वीडियो को मैं अगर मैं इतने सारे सवालों के जवाब दूंगी तो वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग कोई नहीं, मुझसे कमेंट करके पूछते रहो, आप लोग जितने मैं कमेंट में जवाब दे सकती हूँ उतने दे दूंगी, जो नहीं दे पाती वो मैं वीडियो में आप लोग को जरूर बता दूंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल या फिर बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।